दीदी 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 अर्जेंट एक फोन करना है दीदी, अब फोन दे सकती है? ठीक है प्लीज ये लीजिए। थैंक्स। हेलो हेलो सर, आप संतोष सर है ना? हाँ बोलिए। मैं तंजावुर तावरन गांव से सरस्वती की फ्रेंड भारती बात कर रही हूँ। भारती सर, हम पिछले महीने सरस्वती की बहन की शादी में मिले थे ना सर? हाँ याद है, बोलिए बोलिए। हाँ वो मैं अभी चेन्नई में हूँ। चेन्नई में? क्या बात क्या है? सर अभी मैं चेन्नई में बहुत मुश्किल सिचुएशन में हूँ, क्या मैं आपसे अर्जेंट मिल सकती हूँ क्या? देखो मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। प्लीज सर आपसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ। अच्छा अभी किस एरिया में? अन्नई तेरेसा लेडीज हॉस्टल मुट्टुकडू। अच्छा वहीं वेट करो, मैं हाफ एन आवर में पहुँचता हूँ। ठीक है सर। कोई बात नहीं, लगता है आप मुसीबत में हैं। आप जिनका वेट कर रही हैं उनके आने तक आप अंदर रुक सकती हैं। कोई बात नहीं। ठीक है आप वहाँ बैठ जाइए। नो प्रॉब्लम, वहाँ बैठ सकती हैं आप। क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक नाम का एक लड़का मेरा फेसबुक फ्रेंड बन गया था। सबका सबूत है क्या? है। थोड़ा रुक जाओ, मैं एडिटर से बात करके आता हूं। सर। हाँ बोलो। एक हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 300 लड़कियां और 2000 सेक्स हैरेसमेंट वीडियो है सर। क्या बोल रहे हो तुम? जी हाँ सर। क्या है ये सब? पुराने कांड से लोग अभी तक उभरे नहीं है और एक और कांड। ये जो एविडेंस है ना उसे वीआईपी को दिखाकर हम करोड़ों रुपए निकाल सकते हैं। उस लड़की को अपने स्टूडियो में लेकर आओ, मैं लाइव का इंतजाम करता हूँ। ओके सर। सब कुछ सीक्रेट होना चाहिए। ओके। मैंने एडिटर से बात कर ली है, चलो चैनल में चलते हैं। आओ। Oh,
हमारे प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारी मीडिया जिस बात को बोलने से हिचकिचाती है या फिर किसी बात से डरती है, चाहे कोई सामाजिक समस्या हो या कोई अत्याचार हो, हम इस प्रोग्राम में दिखाते आ रहे हैं। ये सोशल मीडिया आने के बाद लड़कियों के ऊपर अत्याचार, हिंसाएं, अश्लीलता लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और ये सब समाज पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में हम आपको जिस महिला से रूबरू करवाने वाले हैं, उसकी कहानी और उसका दुख सुनकर आप जागरूक होंगे। बैठ जाइए। तो बोलिए भारती, आपके बारे में, आपके सपनों के बारे में, आपके साथ जो घटना घटी उस बारे में बताइए। तंजावुर के पास में ही तवरन पालियम में मेरा घर है। भविष्य में बहुत सारे सवालों के साथ मेरी जिंदगी गुजर रही थी और उसी दरमियान कार्तिक मेरे जिंदगी में आया। अनजान लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं समझ नहीं आ रहा। कर लेती हूं। फेसबुक के जरिए कार्तिक से परिचय हुआ। सुबह उठते ही कार्तिक के साथ चैट शुरू हो जाता था। वक्त कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरी फैमिली की डिटेल्स मैंने सब कुछ कार्तिक के साथ शेयर कर दिया और कार्तिक ने भी अपनी सारी डिटेल्स मुझसे शेयर कर दी। मेरा मनपसंद हीरो सुपरस्टार विजय, मनपसंद सिंगर अरिजीत सिंह, मेरी मनपसंद ड्रेस हरे रंग की, खाने में चिकन मसाला, इसी तरह मेरी पसंद और कार्तिक की पसंद हमने आपस में शेयर कर दी। और मुझे जो जो पसंद था वो कार्तिक को भी पसंद था और जो जो कार्तिक को पसंद था वो मुझे भी पसंद था।
हेलो हेलो कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, आपने पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। अरे जरा याद करने की कोशिश तो करो। पहले कौन है बताइए तो सही। मैं बताऊंगा तो बेमजा हो जाएगा, तुम गेस करो। सच में नहीं पहचाना? बिल्कुल नहीं पहचाना, प्लीज बताइए ना। तुम्हारी मनपसंद चीजों के बारे में बताऊंगा, फिर मैं कौन हूँ ये तुम बताना, ओके? तो चलो तुम्हारे मनपसंद हीरो से शुरू करता हूँ। विजय, पसंदीदा कलर ग्रीन। हाँ, उसके बाद हम आते हैं कार्तिक। यस। तो बोलिए कार्तिक, आप कैसे हैं? I'm fine. अरे मेरे मोबाइल की बैटरी लो है। ओके, चार्ज में लगा लो, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके कार्तिक, बाय। बाय। ये किसका पार्सल है? हेलो, गिफ्ट पसंद आया? हे कार्तिक, पसंद आया है? नहीं। पर ये गिफ्ट किस लिए कार्तिक? अरे बस एक छोटा सा सरप्राइज है। और हाँ भारती, तुमसे एक बात कहनी थी, तुम गलत तो नहीं समझोगी ना? नहीं समझूंगी, बोलो। अरे ऐसे चुप क्यों हो गए, बोलो ना प्लीज कार्तिक, बोलो। आई लव यू भारती। भारती अब तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज, तुम बुरा मत मानना भारती, हम दोस्त भी रह सकते हैं। आई लव यू टू कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? नहीं भारती, मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। सुसाइड? ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ कार्तिक, क्या परेशानी है बताओ कार्तिक। नहीं भारती, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं और शादी करने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। भारती अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा भारती, मैं सच कह रहा हूँ। इस तरह की बातें मत करो कार्तिक, पहले क्या करना है इसके बारे में सोचो। तो फिर मैं जो बोलूंगा वो करोगी? बोलो कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भारती तुम जल्दी से चेन्नई आ जाओ, तुम्हारे यहाँ आते ही हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और शादी हो जाने के बाद मेरे परिवार वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भारती क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कार्तिक दरअसल अचानक ये सब। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या भारती? नहीं नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं है, तुम पर मुझे विश्वास है, पर अभी मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो। ओके भारती, तो तुम अच्छे से सोच कर डिसाइड करके मुझे कॉल करना। ओके कार्तिक। कार्तिक,
मेरी तरफ से ओके है। अब बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं बस अभी तुम्हारे लिए चेन्नई के लिए बस की टिकट बुक करता हूँ। तुम बस में बैठ के मुझे फोन करना। तुम्हें कहाँ उतरना है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है कार्तिक। कभी देखा नहीं, आपने ही मुझे पापा का और माँ का प्यार देखकर पाला है। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेली थी। मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था माँ। और फिर तब मेरी जिंदगी में कार्तिक आया। वो मुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। वो बहुत अच्छा इंसान है माँ, वो तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखेगा। इस विश्वास के साथ उसके पास जा रही हूँ माँ। आप मेरे साथ रहकर मेरी मदद करना माँ। फेसबुक ने तय किया कि मुझे किससे शादी करनी है। कार्तिक से मिलने के लिए मैं चेन्नई के लिए निकली। मेरा गांव, मेरा घर, सब कुछ छोड़कर मेरे रिश्तेदार दोस्तों को बताए बिना अब मेरी जिंदगी कार्तिक के साथ है, ये फैसला करके मैं चेन्नई के लिए निकल पड़ी। कार्तिक, मुझे बस मिल गई है। भारती, तुम बस में अच्छे से बैठ गई हो ना? हाँ, बैठ गई हूँ। अच्छा सुनो, तुम ना वंडलूर बस स्टैंड पे उतर जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। वंडलूर में? पर सब लोग तो कोयम्बेड में उतरते हैं ना, आप वहाँ उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं? नहीं भारती, मेरा घर ना वंडलूर के पास में ही है, इसलिए वहाँ से आसान पड़ेगा। तुम उतरते ही फोन करना, मैं खुद आकर पिकअप कर लूंगा। ओके बेबी। ओके। I love you, Karthi. I love you too. Bye. We'll be right back.
number you are trying to reach is currently switched off. Try again later. कब से बस स्टॉप पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। भारती, टेंशन मत लो। एक्चुअली मैं कोर्ट मैरिज के बारे में किसी से बात करने लगा था। हाँ ठीक है कार्तिक, पर मैं काफी देर से वेट कर रही हूँ, जल्दी आकर ले चलो ना मुझे। भारती तुम वेट मत करो, तुम्हें घर पे कैसे आना है मैं तुमको गाइड करता हूँ। अच्छा अब तुम सामने की ओर देखो, SRR ग्रैंड होटल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अब तुम रोड क्रॉस करके उधर आ जाओ। कार्तिक, तुमने जो जगह बताई वहाँ मैं आ गई हूँ, अब क्या करना है कार्तिक? वहाँ से थोड़ा सा और आगे आ जाओ। हाँ ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे शेयरिंग रिक्शा वाले हैं, माया जल जाना है, ऐसा बोलो उनसे। भैया जी माया जल जाएंगे? हा? माया जल? हाँ बैठ जाओ। मैडम हेलो कार्तिक। हाँ मैं माया जल पहुँच गई हूँ। ओके सामने ऑटो स्टैंड है, वहाँ जाकर मुट्टुकाडु ब्लू बे बीच जाना है, ऐसा बोलो उनसे। हाँ ठीक है। सिर्फ 5 मिनट हाँ। लगेगा। सुबह से कोई सवारी नहीं मिली यार कुमार। भाई साहब मुट्टुकाडु ब्लू बे बीच जाएंगे। वहां नहीं जाएंगे। आप मुट्टुकाडु चलो। नहीं नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ बोलिए। भाई साहब मुट्टुकाडु जाना है। अरे बाप रे उस एरिया में नहीं जाऊंगा, जाओ। भाई साहब चलिए ना भाई साहब। अरे बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ही डेंजर एरिया है, वहाँ कोई भी नहीं जाएगा, बात मानो और चली जाओ। भाई साहब जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए ना।
जितना चाहिए मतलब 500 रुपया दोगी क्या? पर सिर्फ 5 मिनट की दूरी है ना, सिर्फ इतने के लिए 500 रुपए लेंगे आप? इसलिए तो मैंने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, और अभी मोल भाव कर रही हो, जाओ यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लीजिए आप, चलिए प्लीज प्लीज चलिए। ठीक है, बैठ जाओ। चेन्नई में नहीं आई हो क्या? हाँ भैया। यहाँ किससे मिलने आई हो? अपने बॉयफ्रेंड से भैया। ठीक है बार बार भैया बोलकर मत बुलाओ, किसी और नाम से बुलाओ। बीच। हाँ, ये लीजिए भैया। लगता है किसी का नसीब खुलने वाला है। हेलो, हाँ कार्तिक, मैं यहाँ ब्लू बे बीच के आखिर में आ गई हूँ। ये जगह तो अजीब लग रही है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। भारती, वैसे ही चलते हुए आगे आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है कार्तिक। डरने की जरूरत नहीं है भारती। बीच के पास पहुंच गई? हाँ, बीच के पास पहुंच गई। लेफ्ट में तुम्हें एक बगीचा दिख रहा होगा। हाँ कार्तिक, बगीचा दिख रहा है। ठीक है, उस तरफ चल के आ जाओ। हाँ। पहुंच गई? हाँ। पर एक बड़ा सा व्हाइट कलर का बंगलो दिख रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है कार्तिक। उस बंगलो के पास जो बंगलो है, वही अपना घर है। मैं वहाँ पहुँच गई कार्तिक। भारती, अब अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाकर अंदर आ जाओ। मेरा चेन्नई का ये सफर इतना डरावना और इतना भयानक होगा, ये मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। इतनी तकलीफों के बाद आखिरकार मैंने कार्तिक को उसके घर पर देखा। लेकिन मुझे बताइए, एक अनजान आदमी ने बुलाया और उस पर भरोसा करके आप चली कैसे गई? मुझे उस पर और उसके प्यार पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं वहां चली गई। कार्तिक।
आई लव यू भारती। एक मिनट, हाँ अभी आता हूं। हाँ। क्या हुआ बोलना, क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा हूं, इंप्रेस नहीं कर पाऊंगा, पटा नहीं पाऊंगा, ऐसा कह रहा था ना, सब खत्म कर दिया। कमाल का फिगर है यार, अब मैं तुझे क्या बताऊं। वैसे तुम लोग कब आ रहे हो? अरे तू हमारी छोड़, पहले तू वहां से निकल के यहां आ जा। क्या बोल रहा है तू, कहां आना है बोलना। बॉम्बे। बॉम्बे? अभी क्या बोल रहा है तू भाई? तेरे पास तो एक होमली पीस है, हमारे पास तो मस्त मास्टरपीस है। हम लोगों ने एक मस्त आइटम को बढ़ाया है, कमाल किया यार। फोटो भेजता हूं, उसके बाद तू खुद डिसाइड करना कि तुझे आना है या नहीं आना। ए, श्याम, एकदम मस्त पीस है यार, इसको कैसे पटाया? मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। फिर जो तेरे पास है उसका क्या? ए, अबे इसको कैसे संभालना है मुझे अच्छे से पता है, ऐसी कितनी लड़कियां आई और गईं। कार्तिक, भारती अभी आता हूँ। अरे सुन ना, वो बुला रही है, तू फोन रख, मैं पहुंचता हूँ। कार्तिक, कोई आने वाला है क्या? नहीं तो वो फोन पर आप किसी को बुलाने की बात कर रहे थे। अरे मैंने किसी को बुलाया नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ। आप जा रहे हो, पर कहाँ? भारती हमारी शादी होनी है ना, पहले की तरह कोर्ट मैरिज करना इतना आसान नहीं है, अभी बहुत मुश्किल हो गया है। ओ। भारती 6 बज गए, मैं अभी निकलूंगा तो ही सारा अरेंजमेंट कर पाऊंगा, तो ही तो हमारी शादी ठीक तरह से हो पाएगी ना। हाँ भारती, आज हमारी शादी है, अपनी जिंदगी का बहुत 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 खास दिन है। 11:30 to 12:30 शुभ मुहूर्त है, तुम नहा कर तैयार रहना, मैं जाके आता हूँ फिर तुम्हें पिकअप करता हूँ। ओके आने में थोड़ा टाइम लगेगा, चार्ज रहूँ ऐसा कुछ दो ना। कार्तिक, हाँ? लगता है बारिश होने वाली है, जरा संभल कर जाना। और हाँ, घर को अच्छे से लॉक करके जाओ। हाँ, मैं अकेली हूँ ना। हाँ। जल्दी आना कार्तिक। सुमन, तू जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन कर। क्या? एक लड़की का लाइव इंटरव्यू चल रहा है, बहुत हॉरिबल है यार, तुरंत सारे फ्रेंड्स को शेयर कर। ठीक है।
सभ्यता की सारी खबरें हम दिखा रहे हैं। अगर तू मेरे एरिया में आकर ये कांड करता ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। अबे करके दिखाना। ने मेरे लिए मेरे मनपसंद रंग की साड़ी खरीदी थी। वो साड़ी पहनकर मैं अपनी शादी का इंतजार कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, मैं बहुत खुश थी। कार्तिक को आने में देर हो रही थी, इसलिए मैंने कार्तिक को फोन किया। लेकिन उसके फ्रेंड ने बताया कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मैं बहुत घबरा गई थी और डिटेल्स पूछने से पहले फोन कट गया। मैंने फिर से कॉल किया पर वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस था। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर से फोन ट्राई किया, इतने में मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। फोन चार्ज करने के लिए सोचा तो पावर ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद मेरी सारी खुशियां चली गई। घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाने का सोचा तो दरवाजा बंद था। मैंने बहुत कोशिश की पर thank you.
कार्तिक, तुम्हें क्या हो गया कार्तिक? मैं ठीक हूँ कार्तिक, तुम मेरी चिंता मत करना, बस जल्दी आओ कार्तिक। दादाजी, इस उम्र में इतना तकलीफ आएगा उठाने का? पहले ही आपको कम सुनाई देता है, और अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? Yeah.
हम क्यों बेवजह लपड़े में पड़ेंगे? तो चलते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए भैया प्लीज। अरे एक बार देखकर तो आते हैं। हाँ जेन्युइन कोई होगा तो। यहाँ देखिए भैया, यहाँ देखिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। चलो चलते हैं यार। चलो 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 भैया, भैया रुक जाइए भैया, भैया मेरी मदद कीजिए भैया, रुक जाइए, मेरी मदद कीजिए, यहाँ देखिए। Thank you.
एरिया वीआईपी एरिया है सर, देख लीजिए। यहाँ देखिए भैया। सर पहले इतना टाइम हो चुका है, इस वक्त नहीं देखेंगे। भैया यहाँ देखिए सर, हम अगली बार आएंगे तो देखेंगे। दीदी दीदी यहाँ देखिए, 40 फीट पे पानी आता है सर, ऐसी जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी, देख लीजिए। मुझे बचाओ दीदी, यहाँ देखो दीदी। ये क्या, ये लाइट कहाँ से आ रही है? जरा वहाँ देखिए, वो देखो उस तरफ से आ रही है, कोई लड़की चिल्ला रही है। मेरी मदद कीजिए। चलो चलकर देखते हैं। आइए आइए, वो उस तरफ से आवाज आ रही है। अरे ये क्या है, एकदम से लाइट क्यों ऑफ हो गई? सर वो एक रहस्यमय घर है। पी लोग हजारों लड़कियाँ लेके आते हैं, बेवजह लफड़े में पड़ने से कोई फायदा नहीं। चलिए सर। हाँ ठीक है। यहाँ पर वो, देखिए मुझे, प्लीज देखो मुझे। दीदी 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 जाओ मत दीदी। Thank you.
वहाँ जो भी चीज मिली उसका इस्तेमाल करके मैंने बचने की बहुत कोशिश की। जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। दीदी, हवा भुजाले में देख लीजिए, पूरी वीआईपी जगह है। यहाँ, हेलो, यहाँ देखिए। तो आज इस जगह की डील पक्की कर दें क्या? हाँ कर दूँ, जल्दी ही काम भी शुरू करवा देंगे। के हिसाब से शराब सही है ना, साथ में आइटम होती तो मजा आ जाता। हाँ अच्छा होता, ऐसे देने के बाद भी अपनी शक्ल देख के कोई नहीं आती, क्या कर सकते हैं। शराब के साथ चखना खा के सोना ही किस्मत पर लिखा है। अरे जाओ यार, एक बात पूछो तो बुरा नहीं मानोगे ना, शराब और चखने में अपनी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अरे छोड़ ना यार, क्यों उसी बात पे अटका हुआ है। क्या अरे हेल्प में लिखा है भाई, क्या है जाकर देखते हैं क्या। हेल्प में मतलब मदद। ये गुब्बारा उस तरफ से आया है। चलो चल के देखते हैं, क्या पता कोई नजर आ कौन है अंदर। ऐसा लगता है उस घर से आया है, वो देख। उस घर से आवाज आ रही है ना, तो कोई नई बात थोड़ी है, हम बेवजह मुसीबत में क्यों। ये वीआईपी लड़कों का यही काम है, हमेशा लड़कियों को लाकर मजे करते हैं। चलो यहाँ से, क्या करना है अपने को। सर, रुक जाइए। Thank you.
मेरा डर, मेरा अकेलापन, आगे क्या करूं ये सोचने की क्षमता नहीं थी। और तभी बिजली आ गई। फोन चार्ज करके मैंने कार्तिक से बात की। उसने कहा कि वो अच्छा है और वो जल्द ही आ जाएगा। थोड़ी देर में कार्तिक वापस आ जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, ये सोचकर खुश हो रही थी। लेकिन आगे जो होने वाला था उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। तीन दिन तक बिना कुछ खाए कुछ पिए बहुत थक गई थी मैं, इसलिए खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या या पीने के लिए कुछ मिलेगा क्या, ये देखने के लिए मैं उस रूम में चली गई। मुझे कार्तिक का असली चेहरा पता चला। मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी।
गया है क्या? जल्दी भे बेटा, ये सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस है, बिजनेस है, बिजनेसमैन लोग हैं। जनता जिनको भगवान मानती है ना, वो भी है इसमें। सारे वीडियो संभाल के रखना, फ्यूचर में हमारे बहुत काम में आएंगे। ओके सर, फिर भी डर लग रहा है सर। बेटा, काला कोट, खाकी वर्दी, ये सब करेंसी के सामने हाथ फैलाने चाहिए या खामोश रहने चाहिए, समझा? डरे मत, जो बोला वो कर। कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके ये लोग सिर्फ अपना मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि उसका वीडियो बना के बिजनेस भी करते हैं। ये जानकर मैं दंग रह गई। कार्तिक के साथ बहुत सारी लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें जो शामिल है वो सोसाइटी के बड़े बड़े लोग हैं। इस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। अब मैं किसी तरह वहाँ से बचकर निकलने के बारे में सोचने लगी। इतने में वहाँ पर कार्तिक की कार आ गई। उस घर के आसपास सब कुछ गलत चल रहा था। उस घर से बचकर निकलने के लिए मैं लगातार कोशिश कर रही थी। कुछ लोग बिजनेस करके मजे करते हैं और हम मजे करते करते बिजनेस करते हैं। हाँ यार, वैसे अभी तक तेरे पास कितने वीडियो हुए? पुराने डिस्क में 2000 वीडियो होंगे और नए डिस्क में 50 तक होंगे। चल ठीक है यार, वो सब छोड़। तू बोल रहा था ना तुझे भारती स्पेशली चाहिए थी, वो तो मिल गई ना। अब तो उसके वीडियो को अपने टॉप ग्रुप में शेयर कर दे। मजे तो तूने ले ही लिए है ना। बकवास बंद कर, मुझे जल्दी भारती से मिलना है। दरवाजा खोल। चल मत हारो प्लीज, कुछ नहीं होगा। बोलो भारती, तुम्हें क्या लगता है उन गुनहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? बोलो भारती, बोलो भारती। ये इंटरव्यू देखने वाली पब्लिक बहुत गुस्से में है भारती। बोलो, उनके साथ क्या करना चाहिए? करने की जरूरत नहीं है। उन तीनों को मैंने खुद मार डाला। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने अकेले ही उन तीनों को खुद मार डाला? कार्तिक,
कार्तिक जैसे लोग जो एक ग्रुप बनाकर रहते हैं वो बेखौफ होकर ऐसी नीच हरकत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पीड़ित लोग बाहर किसी को नहीं बताएंगे और ये हिम्मत उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ना होने से ही आती है ये वो जानते हैं। अगर किसी ने एक्शन भी ले ली तो अपने पहचान का फायदा उठाकर बाहर आ जाएंगे उस बात का उन्हें विश्वास है। ये लोग जो ऐसा वीडियो बना रहे हैं वो उन दरिंदों के लिए आखिरी वीडियो होना चाहिए ये सोचकर मैंने उन तीनों को बेरहमी से और तड़पा तड़पा कर मार डाला। अपना गुस्सा कम होने तक उनको मारा। मुझे वहां जो भी चीज मिली उसको हथियार बनाकर मार डाला उनको। देखिए कौन है यार। ने जो किया एकदम सही है। ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। इनको ऐसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। उनके शरीर से निकला हुआ खून का फवारा जमीन पर बिखर चुका था। उनकी चीखें मुझे आनंद दे रही थी। लेकिन भारती, आज के जमाने में चाहे कुछ भी हो जाए, अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, पब्लिक हो या मीडिया, बिल्कुल चुप नहीं रहते। किसी नतीजे पर पहुंचने तक खामोश नहीं बैठते। और ऐसी स्थिति में तुमने खुद ही फैसला कर लिया। हर दिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, शोषण और यौन उत्पीड़न कितने भयानक होते हैं। अखबारों में, टीवी में हम सिर्फ देखते हैं, पढ़ते हैं और दो चार दिनों में उस घटना को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। जो गलत कर रहा है वो तो लगातार गलत ही कर रहा है और उनकी हिम्मत भी बढ़ती ही जा रही है। मेरी कहानी सामने आई है तो अब उसकी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। दो चार दिन डिबेट चलता रहेगा, उसमें से दो चार लोग मुझ जैसे पीड़ित को एडवाइस देने आएंगे। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो जिसके पास पावर है उनको ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोर्ट में भी गए तो गुनाह करने वाले को तब सजा मिलती है जब उसके पैर कब्र में खुद ही लटक रहे होते हैं। और इसीलिए मैंने खुद उन गुनहगारों को मौत की सजा दी। मैंने अपनी जिंदगी अपनी गलती की वजह से बर्बाद कर दी। फेसबुक यूज करने वाले उन सभी मेरी बहन और बेटियों के लिए एक छोटा सा मैसेज। शादी के पहले लड़की के साथ बेड शेयर करने वाले, हमें बहला फुसला कर आधे अधूरे ड्रेस में हमारा वीडियो बनाने वाले, या फिर ऐसे वीडियोस को शेयर करने वाले, ऐसे लोग कभी भी किसी भी लड़की से शादी नहीं करते। इसीलिए लड़कियों को भी सोच समझकर फैसला करना चाहिए। किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ मत करो। लड़कियों को हर तरह से, तन और मन से, दो तीन नहीं, पांच पांच मर्दों को एक साथ खत्म करने की हिम्मत और ताकत रखनी चाहिए। मर्द जात को हम सुधार नहीं सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। कानून, समाज, मीडिया, ये सब बोलने के लिए है। ये सब औरत की इज्जत को उछालते हैं। जिस दिन से देश की महिलाएं अपना फैसला खुद लेना शुरू करेंगी उसी दिन ये समाज सुधर जाएगा। तभी महिलाओं को असली आजादी मिलेगी और असली सम्मान भी
उनको तभी मिल सकता है। मैंने जो 3 खून किए हैं उसके लिए कानून मुझे जो भी सजा देना चाहे मुझे कबूल है। नमस्कार। चलिए माइक ले लो। ये सेट पर पुलिस पता नहीं मैडम कैसे आ गई। महिलाओं की इज्जत से खेलने वाला यह समाज सबके दिलों में जहर घोल रहा है। एक ऐसा युग आ चुका है जब एक सभ्य महिला अपना नियंत्रण मोबाइल में खोकर अपनी इज्जत को नीलाम करने की भूल कर देती है। इस युवा पीढ़ी को हम बचाएंगे और लड़कियों को सशक्त बनाएंगे।